ਸਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ श्री विजय रूपाणी जी जो कि गुजरात के सीएम हैं, एक्स सीएम, और इनसे आज हम बहुत कुछ जानेंगे क्योंकि गुजरात इस वक्त बहुत ही बढ़िया स्टेट है काम करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के, और हमारे मेंबरों की एक इच्छा थी कि वो चाहते हैं कि रूपाणी जी भी हैं और हमारे हरमन प्यारे सोम प्रकाश जी भी हैं कि आप अगर शुरू करें, बताएं हमें कि कैसे आपका यहाँ का तजुर्बा और क्या आपका इन पंजाब को लेके विजन कैसा है। इस बारी साडा एक दोबारा सौभाग्य है कि साडे कोल आरपी सिंह जी दे नाल गलबात करन दा या उन्हां दा मुलाकात करन दा मौका मिलिया है। लास्ट टाइम इन्होंने नाल साडी मुलाकात हुई सी जदों अनुराग जी का प्रोग्राम सीगा लास्ट ईयर जनवरी दे विच, और जदों आरपी सिंह जी ने हॉल दे विच एंटर किया तो मैनूं बड़ी खुशी हुई। मैं कहा जी बड़े अच्छे वक्ता रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बीजेपी दे स्पोक्सपर्सन रहे हैं, इस वारी जरूर इन्हों की गलबात रखेंगे और इन्हों पुछांगे। विजय रूपाणी जी का नाम काफ़ी वैल नोन और फेमस रहा है गुजरात के, इन्हों का जो टेन्योर रही है बहुत अच्छी रही है और गुजरात ने बहुत अच्छी तरक्की की है। तो सोम प्रकाश जी पॉलिटिशियन तो पहले आईएएस ऑफिसर से गया और बाद उन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन की है तो बीजेपी के नाल इन्हों का अच्छा संबंध रह के एम पी बने हैं, और अजकल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स इन्हों को पदभार है। मैं सिर्फ 4-5 गल्लां रखांगा, ज़्यादा नहीं मैं रखांगा, जिहड़ी कि असीं पंजाब दी इंडस्ट्री फेस कर रही है, प्रॉब्लम जिहड़ी फेस कर रही है। एक प्रॉब्लम जिहड़ी सब तो वड्डी इस दौरान जिहड़ी देखण नूं आ रही है वो आ रही है जी जिहड़े साडा यूथ दा माइग्रेशन हो रहा है उहदे बारे जरूर विचार किया जाए। मिनिस्टर साहब खुद आए हैं, आर पी सिंह जी लास्ट टाइम भी आए सीगे, पर शायद उन्होंने भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया होवे। यूथ दा जिहड़ा माइग्रेशन है इन्ना ज़्यादा सीरीयस मैटर है कि पंजाब दे विच जिहड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है एक तरह उह स्टैंड स्टिल ते हो गई है। पंजाब दी इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल ग्रोथ होण दा दूसरा कारण जिहड़ा आ रहा है उह लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर दे विच हर वारी असीं इह देख रहे हैं कि हर 15 दिनां बाद किते ना किते कोई धरना, रस्ता रोको, रेल रोको। इह जिहड़े 2 साल जिहड़े लास्ट दे निकले आ बड़े वड्डे तुसीं कह लो कि इनवैसटमेंट जिहड़े प्रोजेक्ट सीगे उह निकल गए पंजाब तों। यूथ और वड्डी जिहड़ी इनवैसटमेंट है जिहड़े कि पंजाब तो निकल रही है या निकल गई है उहदा नुकसान अगले 5 सालां दे विच बड़ा वड्डा देखण नूं मिलेगा। तीसरा, एक सेंटर वालों जिहड़ी स्कीम चल रही है वह हैगी है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जे तहत यह है कि जिहड़ी लेबर या गरीब तबका है उहनां सारिआं नूं 1.5 लाख रुपया मिनीमम जिहड़ा है वह मिल रहा है। इहदे विच 2 नुकसान जिहड़े सानूं देखण नूं मिल रहे हैं कि जिहड़ी लेबर यूपी और बिहार तो आ रही सीगी उन्हां दा आना थोड़ा जिहा घट गया है, क्योंकि जिहड़ी साडी अंदर लेबर काम कर रही है उन्होंने गल करदे कि जी हमारे को तो पैसा वहां पर खाते में आ रहा है, प्रधान का फोन आ रहा है, सरपंच का फोन आ रहा है कि जी आप पैसा उठाओ नहीं तो आपका जो पैसा है 1.25 लाख या 1.5 लाख वो खत्म हो जाएगा। उहदे नाल की हो रहा है जी कि लेबर साडी इधरों जा रही है, 4-4 महीने लेबर वापस नहीं आ रही। दूसरा नुकसान यह है कि जिहड़ी यूपी की ग्रोथ है या बिहार की जिहड़ी ग्रोथ है पंजाब नालों ज़्यादा अच्छी हो रही है। एक बार लेबर दा पक्के मकान उधर बन गए तो मेरे ख्याल जिहड़ी ट्रेंड लेबर है या जिहड़ी असीं ट्रेंड कीती हुई लेबर है उन्होंने वापस नहीं आना।
लेबर की भी शॉर्टेज जी अगे आने वाले टाइम से सानू देखनी पैनी है, लेबर की शॉर्टेज सानू देखनी पैनी है, फेस करनी पेगी। इंडस्ट्री की ठीक है ग्रोथ रुकी हुई है, कुछ इदा की पॉलिसी जरूर बननिया चाहिए हैं, क्योंकि पंजाब बीइंग बॉर्डर एरिया हिमाचल के नाल लगता है, हिमाचल को बेनीफिट भी पिछले 10 साल काफ़ी अच्छा गया है। और प्रेजेंटली जी जे एंड के इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जी डिक्लेयर हुई है, वो भी काफ़ी वही इन्वेस्टमेंट जेके भी शिफ्ट होगी। साढ़े यूपी च इंडस्ट्री जी है काफ़ी गई भी है, उन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया है जिस तरह यूपी की डिवेलपमेंट चल रही है। मैं लगता पाया कि यह टाइम जरा है यह बड़ा सीरीयस मैटर है, थोड़ा जहा विचार किया जाए किस तरह अपनी इंडस्ट्री जी है सरवाइव करेगी, या इंडस्ट्री को असी रोकना है वो बारे गल रखी जाए। सानू कुछ सरकार दियां सेंटर गवर्नमेंट दियां कुछ स्कीम जिहड़ियां उह स्टेट जिहड़ी गवर्नमेंट है वह सानू गाइड नहीं कर रही, कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक है स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट दे विच, जिहदे नाल कि पंजाब नू ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट वालों सानू गाइड नहीं किया जाता कि सेंटर वालों की स्कीम्स है, इन केस कभी कभी तो देखा जाता सेंटर गवर्नमेंट फंड्स जरूर दे रही है सानू, पर स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा ही रीजन आता है जी कि साढ़े को फंड्स नहीं है। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ, ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਦੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਾਰਗੇਟ ਸਰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰਦਰ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ $85 billion ਦੀ ਸਰ। ਸੋ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਇਮੈਂਸ ਇਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਇਨ ਫਿਊ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2014 ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 sector ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2.0 ਆਇਆ ਸਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡਟੈਕ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ROSPCL ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੋਬੈਕ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਰੇਟ 75 ਤੋਂ 85 ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਰ, 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਸਰ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।